हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है अनपूर्णा किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं पैकेट वाले गुलाब जामुन, क्योंकि फेस्टिवल टाइम है, मार्केट के मावे का कोई भरोसा नहीं होता है, नकली भी होता है, इसलिए अधिकतर सब पैकेट लाते हैं और उसी से गुलाब जामुन बनाते हैं। तो आज हमने भी उसी से बनाए हैं। देखिए इतने यमी दिख रहे हैं, एक तोड़ के भी देख लेते हैं। ये देखिए अंदर तक चाशनी है, बहुत ही यमी है और आप भी ज़रूर ट्राई करें एक बार। तो आइए बनाना शुरू करते हैं पैकेट वाले गुलाब जामुन। इंस्टेंट मिक्स गुलाब जामुन से आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं ये रेसिपी बनाना। अब एक बड़ा सा बाउल या थाली ले लेंगे, उसमें हम ये सारा मिक्स निकाल लेंगे। सारा मिक्स निकाल लिया है। अब इसको ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसको दूध से गूंथेंगे। अगर आप चाहें तो दूध की जगह पानी भी यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं डालना होता है, ये इंस्टेंट मिक्स है। सिर्फ इसका आटा लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसका आटा लगा लेंगे। ये हमने गूंथ लिया है सारा मिक्स। अब इसको 10 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे, जब तक चाशनी बनने रख देंगे। हमारा 1/2 kg का पैकेट था इंस्टेंट गुलाब जामुन वाला, तो ये हमने 750 ग्राम चीनी ली है। आप अपने हिसाब से मीठा लें, पर इतनी इसमें लग जाएगी, उतना ही इसमें पानी डाल देंगे चाशनी के लिए। अब चीनी को पूरी घुलने देंगे इसमें। हमें कोई तार वाली चाशनी चाहिए नहीं चाहिए, सिर्फ शहद जैसी ही चाशनी रखती है गुलाब जामुन में। ये शक्कर घुल चुकी है पूरी। अब इसको 2 से 3 मिनट और ऐसे ही उबलने देंगे और गैस को बंद कर देंगे। ये हमने इलायची पाउडर डाल दिया इसमें। इलायची कूट के डालें, पाउडर न डालें। कूट के डालने पर इलायची का ज़्यादा फ्लेवर आता है। आटा चेक कर लेते हैं, चाशनी हमारी बन चुकी है। एक साइड में रख दिया इसको। अब इसके देखिए आटा अच्छे से हो गया है फूट के। अगर आपका सख्त लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी या दूध डाल के इसको सही कर सकते हैं। मिक्स लेंगे और फिर जितने बड़े भी आपको बनाने हैं उस साइज की आप एक पोर्शन निकाल लीजिए और हाथ पे ऐसे करके गोल कर लीजिए। बस आप गोल गोल जो बनाए गुलाब जामुन उनमें क्रेक नहीं होना चाहिए, इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे ही गोल कर लीजिए, बस इनमें क्रेक नहीं होने चाहिए। अब आपको जिस साइज़ के बनाने हैं आप बना लें, बड़े छोटे या मीडियम साइज़ के बना रहे हैं तो ये सारे गोले हम तैयार कर लेंगे। और एक तरफ कढ़ाई में घी गर्म होने रख दिया है, आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, हम घी में कर रहे हैं। गुलाब जामुन बन चुके हैं, घी भी गर्म हो गया है। अब एक एक करके हम उसमें डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो पर ही रखें। वैसे ही एक एक करके जितने भी आपकी कढ़ाई में जाए उतने आप उसमें डाल लें। डाल दिए हैं, अभी इनको टच ना करें, फूल के अपने ऊपर आएंगे तो इनको अलग पलट के अच्छा कलर जैसा भी आपको चाहिए वहाँ तक के इसको तल लें और फिर चाशनी में डाल दें। अच्छा कलर आ चुका है इन पर, इससे ज़्यादा डार्क हमें नहीं चाहिए। अब इनको हम निकाल, कलर अच्छा आ चुका है, अब इनको हम निकाल लेते हैं कढ़ाई में से और चाशनी में डाल देंगे। अब इनको हम ये गुनगुनी चाशनी में डाल देंगे। थोड़ी देर इनको चाशनी में ही रहने दें, ये अपने आप साइड में डबल हो जाएंगे। गुलाब जामुन देखिए फूल चुके हैं, इनके अंदर चाशनी भर चुकी है, कितने यमी दिख रहे हैं। तो आप भी पैकेट लाइए और बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।